ये किसानों के लिए कानून नहीं है, ये अंबानी अदानी के लिए कानून आप बनाए हैं। बाजार में किसानों को औने पौने दाम में 900 1000 1200 रुपये क्विंटल के धान बेचना पड़ रहा है, तो ये हालात है। यहाँ अन्न खाओगे यहाँ के, और यहाँ के किसानों को नक्सली कहोगे, आतंकवादी कहोगे, खालिस्तानी कहोगे, इसको हम निंदा करते हैं। तीनों कानून वापस नहीं होगा तब तक यह आंदोलन यहाँ अम्बेडकर चौक पर लगातार रातों दिन जारी रहेगा। नमस्कार, वह सभी देखा था झलको गोपालगंज, हम अतुल कैमरामैन कार्तिक के साथ। अभी जौन बाय हम अपना गोपालगंज जिला के अम्बेडकर चौक पर बनी रहो, देख सकते नहीं हमारा पीछे जौन बाय अम्बेडकर चौक पर एकरे जगह के बगल में जौन बाबे यहाँ किसान लोग बाबे इंजीनियर अनिश्चितकालीन धरना जौन बाबे यहाँ लोग करता नहीं। इंजीनियर जौन बाबे यहाँ लोग के 11 तारीख से जौन बाबे यहाँ के लोग के धरना चलता, कौना चीज के धरना बा, खेत या बा किसान के विरोध के, वो में जौन बाबे यहाँ लोग बताएं कि सबसे पहले बिहार के मुख जो जैसे गन्ना में घटतौली है, किसानों को बकाया अभी तक नहीं दे रही है सरकार, नहर जो है नहर में अंतिम सीमा तक पानी नहीं जा रहा है, उसके बाद से देखिएगा कि कहीं कहीं किसानों के फसल नहर के बाढ़ के पानी से फसल खराब हो जा रहा है, उसके बाद से देखिए कि जितने जिले के अंदर में नलकूप लगा हुआ है तो कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, तो कहीं बिजली नहीं है, हर जगह ऑपरेटरों की तनख्वाह मिलता है, नाला नहीं है। तो हमें किसान सभा के बैनर तले यह मांग करते हैं कि जो बिहार के गोपालगंज जिले के जो भी नलकूप है उसको चालू किया जाए, नहर के अंतिम सीमा तक पानी पहुंचाया जाए, घटतौली गन्ना में घटतौली पर रोक लगाया जाए। बार बार सरकार कह रही है अच्छा है किसानों के फायदे की है कानून, मगर फायदा बीजेपी के एक भी किसान नेता, एक भी कोई उनके मंत्री नहीं गिना रहे हैं कि क्या फायदा है। जब फायदा पूछा जा रहा है तो बार बार कह रहे हैं किसानों के इस कानून से जमीन नहीं लिया जाएगा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम ये धरना के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि यह कानून किसानों के लिए है, तो आप बार बार किसानों पर क्यों दबाव बना रहे हैं कि आपके लिए है, आप धरना मत करो। इसका मतलब है कि यह किसानों के लिए कानून नहीं है, ये अंबानी अदानी के लिए कानून आप बनाए हैं, इसलिए किसान धरना दे रहे हैं। आप उनको समझाने को, दमन करने के लिए आप तैयार हैं, और उनको रोकने की, उनके आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार हैं, इसीलिए पानी का बौछार चलाते हैं, आंसू गोले बरसाते हैं, सड़क आप खुनवाते हैं, सड़क पर आप जो हैं गड्ढा खुनवाते हैं, और कहते हैं कि आंदोलनकारी ये खालिस्तानी सड़क जाम किए हैं। तो सबसे पहले ये अपने जो भी बकवास है उसको बंद किया जाए, किसानों की जो जायज मांग है, जो वो कह रहे हैं कि हमारे जो पहले कानून है वह कानून सही था, उस पर हमारे एक ही उसमें सुधार कीजिए कि MSP को कानूनी दर्जा दे दीजिए, कि कम से कम हमारा जो अनाज मार्केट में जाएगा वो कम से कम सरकारी जो भाव 1858 रुपये तय है धान का, उस पर खरीदे वो कंपनी, एक कंपनी कह रहे हैं सरकार की मंडी, तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि मंडियाँ बंद की जा रही है, प्राइवेट मंडी खोलने की बात की जा रही है, जो तय होता है भाव वो भाव नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग यह मांग करते हैं कि किसान विरोधी ये तीनों कानून है, इस कानून को सरकार वापस ले, ड्रामा बंद करे, अदानी अंबानी की दलाली बंद करे, बिचौलिया को काम बंद करे, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आ गया है, सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। ये मांग है कि संसद में यह कानून पास हुआ है, ये संसद से बैठक बुला करके, संसदों को बैठक बुला कर, संसद को चला करके ऐसे कानून को जो किसान विरोधी है उस कानून को ही लोग वापस ले, इतना ही बात। का मांग बका कृषि के वजह से जो केंद्र सरकार के जरिए जो तीनों कानून लाया गया है या पूरा पूरी किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून है, और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब तक इस सरकार इस तीनों काले कानून को वापस नहीं लेगी। कौन बात तीनों कानून, कौन कानून? पहला कानून है कि कंट्रैक्ट पर खेती को भी बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में सरकार देने का फैसला किया है, और जमाखोरी वाला जो दूसरा हुआ, तीसरा हुआ MSP पर जो धान खरीद करने की गारंटी, किसानों के जो फसल है वो खरीद की गारंटी सरकार करे, यही तीनों कानून है। एक जमाखोरी के लिए छूट दे दिया, यहाँ अदानी अंबानी के बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं, इन गोदामों में किसान के यहाँ से खरीद करके जाएगा और काफ़ी महंगा करके वो फिर बेचा जाएगा, इसलिए महंगाई बढ़ेगी, और यहाँ के गरीबों का जो राशन मिलता था वो भी जो है, जब सरकार किसान अनाज नहीं खरीद करेगी तो उसके बाद से उसको
को भी अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए जन वितरण प्रणाली भी खत्म करने का साजिश है और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जब सरकार इस तीनों कानून को वापस लें तब जा करके हम लोग किसान आंदोलन को समाप्त करेंगे और नहीं तो जारी रहेगा। ई जौन बाबे सभा और ये तरह के जौन आंदोलन कहाँ कहाँ चला था? ये पूरे बिहार में, पूरे देश में चल रहा है। हमारे तो पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पर आंदोलन चल रहा है। कहीं प्रदर्शन के रूप में, कहीं धरना के रूप में, मार्च के रूप में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी तक सरकार कौन एक्शन ले लिया है? कोई एक्शन नहीं लिया है सरकार। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी किसान मोर्चा की तरफ से कोई अपील दायर नहीं किया गया था। अब विपक्ष सरकार बन करके और चार जो लोगों का समिति बनाया है, ये चारों लोग कहिए कि किसान जो कानून बनाए उसके समर्थक लोग हैं, इससे न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। कभी जो फैसला लिया गया है आगे आंदोलन का, वो आंदोलन जारी रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने। जौन बाबे किसान लोग बहुत दिन से 11 तारीख से जौन बाबे रुआ लोग देख सकता नहीं, बहुत नौ युवक बुजुर्ग बाबू बैठल बाबे, यहाँ लोग का बहुत सारा मांग बा। रुआ लोग पहली बार चैनल के देखते नहीं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ई वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके उतना शेयर करी। ई वीडियो रुआ सोशल मीडिया साइट यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम सब पर देख सकते नहीं। हमारे चैनल के बराबर वीडियो देखे खातिर रुआ नोटिफिकेशन बटन दबा सकते नहीं। रुआ भी गाँव में, मोहल्ला में या शहर में कोनो तरह के कोनो बात हो गया और जो है हमारा चैनल के माध्यम से रुआ बताओ के चाहते नहीं तो रुआ हमारे से संपर्क कर सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय हो बिहार, जय हो गोपालगंज।